हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, नीट 2021 के लिए एक और शुरुआत मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। और बात करते हैं हम, अभी तक बहुत सारे टॉपिक की हमने बात की है, और टॉपिक की बात करते करते हम लोग ये बात भी बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनको एग्जाम्पल वाइज समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो एग्ज़ाम्पल, और एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम वो एग्ज़ाम्पल कभी भूले नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। सो ओवरऑल अभी हम बात करते हैं नीट 2021 की प्रिपरेशन के बारे में, और हम बात करें महा रिवीजन कोर्स के लिए। सो अगर हम महा रिवीजन कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 6 है आपकी क्लास 11th के अंदर। देखा जाए तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर को बहुत स्पेशल बनाती है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस किया बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है किसी भी प्लांट सेल की। हम लोगों ने बात किया कि जो प्लांट सेल होती है वो किस टाइप की सेल्स हो सकती हैं, वो क्या सारी की सारी डिवीज़न करने वाली सेल होती है, मतलब मेरिस्टमेटिक सेल होती है, बट वहाँ पर कुछ सेल ऐसी भी होती है जो परमानेंट सेल होती है। हमने फिर यहाँ पे रूट का, स्टेम का और लीफ का एक डिसेक्शन पढ़ा। हमने बात की सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, तो और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे सिंपल सिंपल तरीके से बात की है। दोस्तों, बात करते हैं अब जरा इसी चीज़ के अंदर, और देखते हैं जरा कि आपके लिए बहुत खास क्या है वो क्वेश्चंस में। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी एब्सेंट इन कोलेनकाइमा। दोस्तों, आप लोगों ने दो टाइप के टिश्यू तो जनरली पढ़े ही हैं। अगर आप कभी भी टिश्यू की बात करते हो तो टिश्यू को आप दो टाइप में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। एक टिश्यू होते हैं मेरिस्टमेटिक, एक होते हैं परमानेंट। और परमानेंट टिश्यू को आगे आपने दो टाइप में डिवाइड कर दिया था, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। गॉट इट? सिंपल परमानेंट ऐसे परमानेंट टिश्यू थे जिसके अंदर केवल सिंगल टाइप की सेल थी, ये था पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो तीन टाइप के होते हैं ये। अब दोस्तों, यहाँ पे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों होते हैं। पेरेनकाइमा जो होते हैं ये होते हैं पैकिंग टिश्यू, ठीक है, और जो कोलेनकाइमा होते हैं ये होते हैं इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड करवाते हैं वो। लास्ट में अगर हम तीसरे की बात करें तो दैट इज़ अ स्क्लेरेनकाइमा जो टफनेस और रिजिडिटी को प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, बात की जाए अगर यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में, तो हम लोग बहुत हद तक एक चीज़ जानते हैं जनरली, यहाँ पे बात करें दोस्तों कोलेनकाइमा के बारे में जो फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी देती है। दोस्तों, एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोलेनकाइमा की जब आप बात करते हैं तो मान लो जो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है ना, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ये एक्चुअली इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। ये लगभग देखा जाए तो पूरी तरह से फिल होता है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये फिल होता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की एक बहुत ही थिक लेयर प्रेजेंट होती है, जिससे इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, ये इंटरसेलुलर स्पेस पूरी तरह से पैक होता है। दोस्तों, दो चीज़ याद रखना, एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है इंट्रासेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर, ये आखिर दोनों चीज़ें क्या होती है? एक होता है इंट्रासेलुलर। दोस्तों, इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? मान लो एक सेल आपके पास ये है और एक सेल आपके पास ये है, ठीक है। अब इन दोनों सेल के बीच में मान लो यहाँ पे कोई स्पेस होता है ना, तो इसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रा, ये इंट्रा होता है, और इन दोनों के बीच में ये जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। तो दोस्तों, एक तो होता है इंट्रासेलुलर और एक क्या होता है? इंट्रासेलुलर। गॉट इट? क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों को बात पूछी क्या गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एब्सेंट इन द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो एब्सेंट होती है? तो दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं कोलेनकाइमा, वैक्यूल प्रेजेंट होगी क्योंकि प्लांट सेल है, वैक्यूल बिल्कुल मिलेगी। पैक्टिन, मैंने अभी आपको बताया है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन इसके अंदर होता है, मगर इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होंगे। ये वाला जो स्पेस होगा ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम एक्सेप्ट किस चीज़ के, बाकी सारे के सारे लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल हैं यहाँ पे। देखा जाए दोस्तों, मतलब केवल एक को छोड़ के, ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे लिख रखा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ पे लिख रखा है फेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ से लिख रखा है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं ये चीज़ होती क्या है। देखो भाई, दोस्तों सबसे पहले तो ये आप याद रखना कि ग्रोथ क्या चीज़ होती है। देखो, प्लांट के अंदर अगर कभी भी ग्रोथ होती है ना, तो ये ग्रोथ दो टाइप से होती है, ठीक है। टू टाइप ऑफ ग्रोथ इज देयर, दो टाइप की ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, जिसमें एक ग्रोथ होती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और एक ग्रोथ होती है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो दो टाइप की ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, कौन कौन सी? प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ जो होती है ना, वो जनरली प्लांट के अंदर स्टार्टिंग ग्रोथ होती है, ठीक है।
तो आपने दो टाइप के मेरिस्टमेटिक टिश्यू पढ़े हैं, जिसमें एक टाइप का मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जिसे हम बोलते हैं एपिकल, और एक टाइप का मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जिसे हम बोलते हैं इंट्राकैलरी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मेरिस्टमेटिक जो टिश्यू होते हैं ना, ये प्राइमरी टाइप की ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी भी प्लांट को देखा हो तो प्लांट के अंदर जनरली एक डायग्राम हम लोग बहुत ही शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं, देखो ये वाला ऐसा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर देखें ये, ठीक है, तो इन दोनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों पार्ट को हम बोलते हैं नोड, और दोनों नोड के बीच में ये होता है इंटर नोड। तो यहाँ पे ही इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है दो नोड्स के बीच में। ठीक है, अभी जो दो नोड हैं जिनके बीच में आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम दिख रहा है, तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ये प्लांट की हाइट में डेवलप कर सकती है। और ये जो एपिकल टिश्यूज होते हैं, चाहे वो शूट एपिकल हो चाहे वो रूट एपिकल हो, ये भी ग्रोथ करने का काम करते हैं। मगर दोस्तों यहीं पे एक चीज़ ऐसी होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ करती है, जो प्लांट के गिर्थ के अंदर डेवलप करती है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना दोस्तों, इस सेकेंडरी ग्रोथ को आप दो टाइप में डिवाइड करते हो, एक तो होता है वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। दोस्तों कॉर्क तो सबसे बाहर की बार होगा, जिसे हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम में दो चीज़ होगी, मान लो ये दो वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, अब ये भी जाइलम, ये भी जाइलम, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम, ठीक है, बीच में ये प्रेजेंट है, मान लो इसका कैम्बियम, ये रहा कैम्बियम और ये रहा कैम्बियम। दोस्तों इन दोनों कैम्बियम को हम इंट्रा फेसिकुलर या हम फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, और कैम्बियम हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ करता है, याद रखिएगा। और ये होता है इंट्रा कैलरी, वो इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, तो ये भी इंट्रा फेसिकुलर है, इंटर। तो देखा जाए तो इंट्रा और इंटर फेसिकुलर, ये दोनों के दोनों कैम्बियम क्या काम करेंगे, ये दोनों के दोनों कैम्बियम प्लांट की गिर्थ को डेवलप करने का काम करेंगे, मतलब प्लांट को मोटा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से मेरिस्टेम प्राइमरी है और कौन से सेकेंडरी है, देखो इंट्रा कैलरी मेरिस्टेम है ना, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है हम जानते हैं, जबकि इंटर फेसिकुलर, फेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम, ये तीनों के तीनों क्या है, सेकेंडरी। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कि यहाँ पे सारे के सारे जो एग्जांपल हैं वो लेटरल मेरिस्टेम के हैं, केवल एक को छोड़ के जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो कि एक प्राइमरी टाइप की मेरिस्टेम होती है, जो प्लांट की हाइट को ग्रोथ या डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दैट्स इट, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए अब जो दो है उसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द एक्सिलरी बड इज मेड अप फ्रॉम बाय विच सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द, देखो एक्सिलरी बड क्या होती है, हम लोग जानते हैं जो प्लांट है ना उसकी जो ग्रोथ होगी वो ऊपर से होगी, जिसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ, जिसे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, इस शूट एपिकल मेरिस्टेम के यहाँ पे आपको एक्सिलरी बड मिलेगी, एक्सिलरी बड। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो एक्सिलरी बड होती है ये किसके पीछे की तरफ रहती है, तो दोस्तों ये रहती है शूट एपिकल मेरिस्टेम के पीछे। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम का टाइप होता है, और एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है एक ऐसा मेरिस्टेम जो बिल्कुल टिप में प्रेजेंट हो, तो एक टाइप इसका है एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप पे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम। तो सीधी सी बात है, एक्सिलरी बड जो होता है वो बेसिकली कौन सी सेल होती है जो शूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे की तरफ रखती है, दैट इज एक्सिलरी बड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर इन दिस केस, चलिए आगे चलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा आर द कंपोनेंट ऑफ, जो स्टोमेटा होता है आखिर वो किस चीज़ का कंपोनेंट होता है। देखो जो स्टोमेटा होता है ना, जनरली इसके बारे में हम जनरली जानते हैं क्या होता है, ये एक्चुअली ट्रांसपिरेशन करने का काम करता है, और लीफ के अंदर जो पोर होते हैं ना, दैट पोर इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। तो अगर आप कभी भी किसी भी लीफ की बात करते हो तो लीफ के अंदर जो पोर होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। बात सही है, स्टोमेटा तो ट्रांसपिरेशन करता है, लॉस ऑफ वाटर करता है वाटर वेपर की फॉर्म में, तो जो स्टोमेटा होता है दिस इज हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात सही है, अब देखो हम लोग ये कहते हैं कि जो स्टोमेटा होता है वो आखिर कौन से वाले टिश्यू का टाइप होता है, एपिडर्मल का, ग्राउंड का, कंडक्टिव का या वैस्कुलर का। देखो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में तो केवल जाइलम और फ्लोएम आएंगे, तो ये तो हटा दूँ। ठीक है, बात सही है, जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे। कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम में भी जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट ही होते हैं, तो ये भी हटा दूँ। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे भी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम नहीं है ना, वो सारा का सारा एरिया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, तो ये भी हटा दो। लास्ट बन गया दोस्तों एपिडर्मल। दोस्तों अगर आप कभी भी लीफ का डायग्राम की बात करते हो, देखो लीफ का डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बनाते हो ऐसे, ठीक है, मान लो ऐसे ये ऊपर वाली सरफेस होती है, और एक आप मान लो नीचे वाली सरफेस बना दो कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये तो हो गया एडेक्सियल सरफेस, बस सही है, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, एबेक्सियल सरफेस, ये भी सही है।
एडेक्सियल और एबेक्सियल सरफेस के बीच में यहाँ पे सेल्स होगी जिसे हम बोलते हैं मीजोफिल सेल, मीजोफिल, ठीक है। अब अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ये जो है ना इसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा, और ये जो सेल्स है पास में इसे हम बोलते हैं गार्ड सेल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं। तो जो स्टोमेटा होते हैं ना, ये एग्जैक्टली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है, क्योंकि ये एपिडर्मिस से प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस। तो जो चीज़ अपर एपिडर्मिस से प्रेजेंट होगी वो बिल्कुल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होगी। तो दोस्तों स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। एंड क्वेश्चन में फोर्थ का जो ए है ना दोस्तों, दैट इज द राइट आंसर इन दिस केस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। भैया चार का लिए तो पांचवें नंबर का क्वेश्चन तो दोनों तरफ तैयार ही है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि जो स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल है जो प्रेजेंट होती है विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल, गार्ड सेल के साइड के सराउंडिंग में, वो कौन सी सेल होती है। देखो बात करते हैं दोस्तों, बुलीफॉर्म सेल तो आपको पता है, बुलीफॉर्म सेल तो क्या होती है दोस्तों, बुलीफॉर्म सेल तो जो मोनोकॉट लीफ होती है ना, जो मोनोकॉट लीफ होती है उसकी अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। कंपेनियन सेल जो होती है ये सीव ट्यूब के पास होती है, ठीक है। एंडोडर्मल सेल होती है ये बिल्कुल अंदर एंडोडर्मिस का पार्ट होती है। तो जब तीन आपके ऑप्शन में गलत होंगे तो एक ही आपका ऑप्शन ऐसा होगा जो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। भैया तीन गलत है तो एक सही है, और वो है सब्सिडरी सेल। अब समझ लेना क्या होता है दोस्तों, आप कभी भी अगर स्टोमेटा का डायग्राम बनाते हो तो वो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं गार्ड सेल। दोस्तों जो गार्ड सेल होती है ना, उसके चारों तरफ उसके साइड में यहाँ पर एक सेल और प्रेजेंट होती है, दैट सेल इज कॉल्ड एज अ सब्सिडरी सेल। ये वाला, ये जितना भी सेल इसके पास में प्रेजेंट होगा ना, ये सारा का सारा कौन सा सेल है, ये सब्सिडरी सेल, बस सही है। और सब्सिडरी सेल के पास में यहाँ पे ये नॉर्मल एपिडर्मल सेल आपको मिल सकता है, ये एपिडर्मल सेल हो गया, ये तीन चीज़ हो गया। और ये जो आपका हो गया, ये हो गया स्टोमेटल एपरेचर, स्टोमेटा। अब देखो होता क्या है दोस्तों, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो गार्ड सेल होती है ना, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करती है। तो स्टोमेटा हमेशा तो ओपन नहीं रहेगा, नहीं तो वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको वाटर का लॉस बचाना है तो आपको कोई तरीका ऐसा यूज़ में लेना पड़ेगा जिससे वाटर निकल भी जाए वहाँ से और वाटर का ज़्यादा लॉस भी नहीं हो। दोस्तों इसके लिए गार्ड सेल को बार बार ओपन और बार बार क्लोज होना पड़ता है। अब गार्ड सेल अगर बार बार ओपन और बार बार क्लोज होगी तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कोई साथ वाली सेल जो गार्ड सेल की हेल्प करे इस चीज़ में, ओपनिंग और क्लोजिंग में। और दोस्तों वो सेल और कोई सेल नहीं, वो सेल होती है सब्सिडरी सेल। तो जो सब्सिडरी सेल होती है ना, दीज आर द नेबरिंग सेल ऑफ द गार्ड सेल। तो सब्सिडरी सेल इज द नेबरिंग सेल ऑफ द गार्ड सेल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसका परफेक्ट एंड राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे चलें दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये पाँच का लिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आने वाला है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि द डिग्निस्ट फीचर ऑफ द ओपन वैस्कुलर बंडल इज द प्रेजेंस ऑफ। देखो वैस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि वैस्कुलर बंडल, तो याद रखना ये होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसे हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। अब दोस्तों जो आपका वैस्कुलर बंडल होता है जिसमें आप जाइलम और फ्लोएम की बात करते हो, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं कैम्बियम, या हम बोल सकते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, बात सही है। दोस्तों अब ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है, भैया मान लो अगर एक रूम है, ठीक है, और उसका रूम का जो डोर है ना वो ओपन है, ओपन है तो कोई भी नई चीज़ अंदर आ सकती है, मगर अगर वो डोर है वो क्लोज हो गया है तो कोई भी नई चीज़ अंदर नहीं आ सकती। इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं क्लोज, और दोस्तों ये जो कंडीशन होगी ना, इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं ओपन। तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, ओपन भी और क्लोज भी, ठीक है। अब ओपन का मतलब जब कोई नई चीज़ें आए, अब नई चीज़ कब आएगी, जब गेट खुला होगा, इसका मतलब वैस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि हम जानते हैं वैस्कुलर कैम्बियम की सारी सेल क्या करती है, डिवीजन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझे बहुत ही ध्यान से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्या, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है, ये कैम्बियम इस तरफ भी सेल को डिवाइड करेगा और इस तरफ भी सेल को डिवाइड करेगा। तो दो टाइप की सेल होती है जो ऊपर और नीचे बनने का काम करती है। जो फ्लोएम की तरफ बनेगी उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, जो जाइलम की तरफ बनेगी उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो जाइलम पहले बना हुआ है ये हो गया प्राइमरी जाइलम, और ये जो फ्लोएम पहले बना हुआ है ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम। इजी है, दिक्कत नहीं है ना।
अब यहाँ पे जो आपने अभी तक किया वही कॉन्सेप्ट लगा दो, टेंशन फ्री। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो लगातार क्या करता है, डिवीजन करता है। देखो हम लोग जानते हैं, ठीक है, अब ये वेस्कुलर कैम्बियम लगातार डिवीजन करेगा तो नया नया सेल डेवलप होगा, यानी कि नया सेल तभी डेवलप होगा जब गेट ओपन होगा, तभी तो कोई नई चीज़ आ सकती है। तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ कैम्बियम। यानी कि अगर आप ओपन की बात करते हो तो ओपन का मतलब बोलते हो कि आप जो कैम्बियम है ना वो प्रेजेंट है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन वेस्कुलर सिस्टम है, कैम्बियम एबसेंट है तो क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है। तो ये कौन सा है, ओपन वेस्कुलर सिस्टम। और अगर यहाँ पे मान लो कैम्बियम एबसेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज। तो ऑप्शन नंबर ए 6 का दैट इज़ अ राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सब्सिडरी सेल होती है इट इज़ अ डिफर फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल इज नॉट हैविंग। देखो हम लोगों ने एक डायग्राम, हम लोग जानते हैं जो डायग्राम है हमारे पास स्टोमेटा या हम बोलते हैं गार्ड सेल का, ठीक है। अब इसके पास यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है ना, ये जो भी सेल्स प्रेजेंट है, दीज सेल आर कॉल्ड एज अ दीज सेल आर कॉल्ड एज अ सब्सिडरी सेल। कौन सी सेल है ये, सारी की सारी सेल है सब्सिडरी सेल। और सब्सिडरी सेल के अंदर ये वाली जो सेल है इसे हम बोलते हैं गार्ड सेल। और दोस्तों गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जबकि यहाँ पे नहीं होते। तो बेसिकली एक ही बहुत बड़ा डिफरेंस है सब्सिडरी सेल और बाकी सेलों में, बाकी ऑल सेल्स में, दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस, दैट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट वही होता है जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करने का रोल जो रोल होता है वो प्ले करता है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सब्सिडरी सेल है और बाकी और सेल्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट। तो 7th का जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ अ राइट एंड परफेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज। देखो कॉर्टेक्स की जनरली सेल ना पैरेन्काइमा हो सकती है, पैरेन्काइमा ही होती है वैसे जनरली। तो अब मान लो मैं किसी का भी डायग्राम बना रहा हूँ, मान लो मैं ये बनाता हूँ एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये बाहर की बाहर क्या प्रेजेंट है, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ अगर हम एपिडर्मिस के अंदर की तरफ चलें तो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट है सारा का सारा सेल एंड दैट इज़ अ कॉर्टेक्स सेल, बस सही है। मगर दोस्तों कॉर्टेक्स के अंदर जो अंदर जो यहाँ पे सेल प्रेजेंट होगा ना, दिस इज कॉल्ड एज अ एंडोडर्मिस। बिल्कुल बात सही है, ऐसी स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो कॉर्टेक्स का सबसे एंड लेयर होता है ना दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोडर्मिस। ये वाली बात याद रखिएगा कि एंडोडर्मिस अलग से कोई लेयर नहीं है, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही एक लेयर है, एक ऐसा लेयर है कॉर्टेक्स का ही जो एंडोडर्मिस है। और एग्जैक्टली यही चीज़ होती है जो एग्जैक्टली आप लोग कह सकते हो कि जो एपिडर्मल टिश्यू और जो एंडोडर्मिस होता है इसके बीच में कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। तो आप क्या बोलोगे, इनर लेयर जो कॉर्टेक्स की होती है, इनर मोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स की होती है वो क्या होती है, एंडोडर्मिस, जिसके अंदर अंदर की तरफ फिर वेस्कुलर बंडल वगैरह ये सब चीज़ें प्रेजेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो एंडोडर्मिस है यानी कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ अ परफेक्ट एंड राइट आंसर। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है ट्राइकोम्स को लेके, ठीक है। जो ट्राइकोम्स जो होते हैं ना, ये स्टेम हेयर होते हैं, ठीक है। हम लोग ट्राइकोम्स के बारे में जानते हैं कि ये जो ट्राइकोम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज अ स्टेम हेयर। और जो ट्राइकोम है दीज आर द पार्ट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। किसका पार्ट होते हैं ये होते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होते हैं ट्राइकोम। जनरली अगर देखें तो जो स्टेम होती है ना उसके ऊपर कई बार ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, ठीक है। एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ट्राइकोम्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेम हेयर। स्टेम हेयर बोलो या स्टेम हेयर। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि जो ट्राइकोम्स होते हैं उसके बेसिकली कौन सा ऐसा फीचर है जो सही नहीं है। ये यूजुअली मल्टी सेलर होते हैं दोस्तों, ये यूनिसेलर और मल्टी सेलर कैसे भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर आपको ये मल्टी सेलर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। ब्रांच और अंज ब्रांच भी हो सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। मगर दोस्तों ये हेल्प नहीं करते एग्जैक्टली, ये करते हैं प्रिवेंट, प्रिवेंशन इन ट्रांसपिरेशन। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें प्रिवेंशन करने का काम कौन करते हैं, ट्राइकोम्स, ठीक है। तो ट्राइकोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेम हेयर, स्टेम हेयर बोलते हैं हम इसको। और जनरली ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होता है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर पे अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होगी तो वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होगा। तो ये जो है ये एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ ट्राइकोम। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं जी हाँ। तो यहाँ तक लगभग लगभग सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। लगभग लगभग 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 9 क्वेश्चन में हमने देखा कि आखिर इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो कुछ ऐसे होते हैं जो
ईयर टू ईयर रिवाइज भी होते हैं, रिपीट भी होते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही हैं इसमें। उसका रीज़न ये है क्योंकि कई बार कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से ही, मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट से ही क्वेश्चन ज़्यादातर अराइज होते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही सेम कंडीशन है, ठीक है। बट इस चैप्टर को याद करने का सबसे अच्छा मेथड है, दैट इज़ अ डायग्राम। अगर आपका डायग्राम बहुत अच्छा बना के समझ सकते हो, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे लगभग हर किसी चीज़ का डायग्राम लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो, तो आपका आंसर भी आसानी से आ जाएगा। देखते हैं उसी एक कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 10th की, क्वेश्चन नंबर 10th आपसे क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th आपसे बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना, इसका कौन सा पार्ट नहीं है बताओ। दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात कर रहा है, ग्राउंड की, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मैंने वैसे आपको तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम आपको पता है होते हैं, जिसमें एक होता है जैसे हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और दोस्तों एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। दोस्तों एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मतलब जो बिल्कुल एपिडर्मिस यानी कि बिल्कुल बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, वो होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात पूछी है। अब देखो एपिडर्मिस तो बिल्कुल बाहर की तरफ होता है, हमने देखा कि कोई भी लेयर बढ़ाते हैं तो हम बाहर की तरफ एपिडर्मिस ही बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा कोई सही आंसर नहीं है। अगली चीज़ कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो एपिडर्मिस ही होता है दोस्तों जो पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी तो खैर हमारा आ ही गया आंसर। बट फिर भी कॉर्टेक्स क्या होता है दोस्तों, कई बार जो एपिडर्मिस होता है और एंडोडर्मिस होता है, इसके जो बीच का पार्ट होता है ना, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स। जनरली ये पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है ना, वो होती हैं। पित क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है ना दोस्तों, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर सेंट्रलाइज एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पित, जो मोनोकोट और डाइकोट में अलग अलग होता है। मेडुलरी रेस क्या होता है, जो रेडियल कंडक्शन होता है ना वाटर का, रेडियल कंडक्शन, ऊपर नीचे नहीं, साइड बाय साइड जो कंडक्शन होता है, उस कंडक्शन के लिए मेडुलरी रेस जरूरी होती है, मेडुलरी रेस। तो ये मेडुलरी रेस जो होती है, ये एग्जैक्टली आपको इस तरीके को देखने को मिलेगी जो हम लोग बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। बस यहीं पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो टिश्यू होते हैं वो जो पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, इन सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से होते हैं। देखो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है भैया, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, और एक ग्रोथ होती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। दोस्तों दोनों चीज़ें देखो लगभग आपको अच्छे से पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। भैया प्राइमरी ग्रोथ वो होगी जो पहले होगी, सेकेंडरी ग्रोथ वो होगी जो बाद में होगी, जो रेस के अंदर पहले आएगा वो फर्स्ट ही कहलाएगा ना। तो सेम कंडीशन यहाँ आती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, सही है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ होती की वजह से है। दोस्तों तीन टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे पास मिलते हैं, जिसमें हम मिलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू और इंट्राकैलरी, और एक हमें मिलता है लेटरल, ठीक है, लेटरल, सॉरी, एक हमें मिलता है लेटरल, लेटरल, ठीक है। अब ये तीन टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे पास मिलते हैं, ठीक है। एपिकल और इंट्राकैलरी जो मेरिस्टेम होते हैं ना, ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि प्लांट को जो हाइट होती है उसके अंदर भी इंक्रीज करते हैं, साथ साथ जो प्लांट की जो ब्रांचेज वगैरह के बीच में जो इंटरनोड वाला पार्ट होता है ना, उसको थोड़ा सा एक्सट्रीम करते हैं। तो ये दो काम करते हैं कौन, हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये बेसिक चीज़ तो ये आती है दो। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो पार्टिसिपेट करता है, तो प्राइमरी ग्रोथ तो ये हो गई, ऐसे जब इंक्रीज हो रहा है रूट एपिकल और शूट एपिकल की जैसे, ये रहा ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है जो भी प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, रैम और सैम, यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं, इनके बीच में होता है इंट्राकैलरी मेरिस्टेम, और दोस्तों यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ लेटरल मेरिस्टेम। तो जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं ना, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही ग्राउंड टिश्यू बनाने का काम करते हैं। मतलब ग्राउंड टिश्यू क्या, अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो गिर्थ में डेवलप करने का काम करते हैं। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, जो प्लांट गिर्थ में या स्टेम की जो नीचे से जो प्लांट की गिर्थ होती है वो थोड़ा सा एक्सपेंड करती है, दैट इज़ ए रीज़न कि वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आप लोग सीधी सीधी सी बात याद रखें ना, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है कैम्बियम। कैम्बियम दो टाइप का होता है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, और ये दोनों के टाइप के जो कैम्बियम होते हैं ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द टिश्यू विच इज पार्टिसिपेट इन द सेकेंडरी ग्रोथ, वो कौन सा होता है, तो दैट इज अ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑप्शन नंबर ए
इज़ द परफेक्ट एंड राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे सामने है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ एब्सेंट होती है। देखो दो टाइप के वेस्कुलर बंडल मैंने आपको डिस्कस किए थे, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते हो ओपन और क्लोज का मतलब तो क्या होता है। ओपन वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो, और क्लोज का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं हो, जाइलम और फ्लोएम हो, बस उसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट हो, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट हो। तो सीधी सी बात है कि क्लोज वेस्कुलर बंडल जो होता है इसके अंदर क्या चीज़ एब्सेंट होगी। जैसे क्लोज वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम एब्सेंट होगा, और कैम्बियम और कुछ नहीं, कैम्बियम मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, यह मेरिस्टमेटिक एरिया होता है जो बेसिकली डिवीजन करने का काम करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैम्बियम। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 12th है उसका जो राइट आंसर हमारे पास आता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ परफेक्ट एंड राइट आंसर। चलिए आगे चलें। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है वो क्वेश्चन है कि द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो जो कॉमन बॉटल कॉर्क होता है वो आखिर किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है। चार ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं जिसमें एक ऑप्शन है जाइलम, एक है वेस्कुलर कैम्बियम, एक है डर्मेटोजन, एक है फेलोजन। देखो जाइलम का तो कोई पार्ट होता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे देखो कॉर्क और लिख रखा है। ये बात आप लोग जानते हो कि प्लांट के अंदर बाहर की तरफ एक कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिस कैम्बियम को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। कॉर्क कैम्बियम के बाहर की और यहाँ पे जो सेल नहीं बनेगी उसे हम बोलेंगे कॉर्क सेल, और जो अंदर की तरफ सेल बनेंगी ये वाला, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉर्क की तो दोस्तों कॉर्क को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक और नाम में, इसे हम बोलते हैं फैलम, इसे हम बोलते हैं फेलोजन, और इसे हम बोलते हैं फेलोडर्म। और तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरीडर्म बोलते हैं। तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। अब बात समझना यहाँ पे बात क्या है, बात यह है कि अगर आप कभी भी किसी भी कॉमन बॉटल कॉर्क, जो बॉटल के ऊपर जो कॉर्क लगा होता है ना, अगर आप उसकी बात करते हो तो वो एग्जैक्टली बना कैसे होता है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज अ क्यूरिकस सुबर, ठीक है, जिसे एग्जैक्टली आप लोग कॉर्क को प्रिपेयर करते हो। और दोस्तों कॉर्क को प्रिपेयर करने का काम जो होता है ना वो एग्जैक्टली किससे होता है, फेलोजन से। ठीक है, तो जो फेलोजन है ना दोस्तों ये बिल्कुल सही है आंसर है। दोस्तों ऊपर एक ऑप्शन और है डर्मेटोजन। देखो डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लीरोम, ये तो आपने पढ़ा था कि जब हम बात कर रहे थे एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में तब उसके अंदर हमने पढ़ा है। वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड है, जाइलम ये तो वेस्कुलर टिश्यू होता है। तो ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन होंगे ये तो हमारे नहीं होंगे, जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ अ राइट एंड परफेक्ट आंसर, जो हम बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं और बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे चलेंगे ऑप्शन नंबर डी पे जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा आंसर डी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एज कम्पेयर टू अ डायकॉट रूट अ मोनोकॉट रूट हैज़। मोनोकॉट रूट में क्या चीज़ होगी जो डायकॉट रूट में आपको नहीं देखने को मिलती। पहला है मोर एविडेंट सेकेंडरी जाइलम। दोस्तों देखो यहाँ पे कैम्बियम की तो हम बात करेंगे नहीं क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर सकते। अगला है दैट इज़ अ मैनी जाइलम बंडल। दोस्तों ये एक बात हो सकती है, देखो आप लोग अगर कभी भी मोनोकॉट की बात करो, मोनोकॉट तो दोस्तों मोनोकॉट में हेक्सार्क से लेकर पॉलीआर्क तक, यानी कि मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप डायकॉट की बात करो तो यहां पे डाईआर्क से लेकर बस हेक्सार्क तक मिलेंगे, यानी कि देखा जाए तो डायकॉट के अंदर कुछ अलग सिस्टम है क्योंकि मोनोकॉट के अंदर फैले हुए रहते हैं क्योंकि ये, तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो एज कम्पेयर टू डायकॉट रूट के जो मोनोकॉट रूट है उसके पास क्या होता है दोस्तों, मोर जाइलम बंडल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, देखो हेक्सार्क का केस में मिल रहा है यानी कि मोर देन 6 मिल रहे हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो हमारा परफेक्ट और राइट आंसर है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे। दोस्तों अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि फंक्शन क्या होता है कंपेनियन सेल का।
देखो अगर हम कभी भी बात करेंगे यहाँ पर फ्लोएम की, तो फ्लोएम के अंदर होती है सीव ट्यूब, सही है। और दोस्तों सीव ट्यूब के यहाँ पे पास में होती है कंपेनियन सेल, जिनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है लीफ, जो आप सबको पता है। लीफ जब फूड को बनाती है, तो फूड को बनाने के बाद जो लीफ होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है अपने फूड को कंपेनियन सेल को, और कंपेनियन सेल इस फूड को ट्रांसपोर्ट करती है सीव ट्यूब एलिमेंट को। एक चैनल है, एक चैनल जिसके थ्रू आपने किस तरीके से फूड को लिया और किस तरीके से आगे आपको उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, वो चीज़ है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि दोस्तों याद रखिएगा, जो प्लांट होते हैं ना वो हमेशा फूड को फॉर्म करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, वो हमेशा फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में, और वो हमेशा फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो ये तीन चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च, गॉट इट। तो प्लांट जो फूड बनाएंगे वो बनाएंगे ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करेंगे सुक्रोज की फॉर्म में। तो जब यहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, तो ये पूरी के पूरी सीव ट्यूब एलिमेंट में ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। ठीक है, तो कंपेनियन सेल क्या काम करती है, फ्लूएम के अंदर फूड को डालने का काम करती है सीव ट्यूब के अंदर। देखो पहला ऑप्शन, लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इन टू द सीव एलिमेंट बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, नहीं भैया बिल्कुल नहीं। लोडिंग ऑफ द सुक्रोज इन टू द सीव एलिमेंट के अंदर सुक्रोज को ऐड करना है, बिल्कुल सही बात है। अगले चलते हैं, प्रोवाइड द एनर्जी, एनर्जी की कोई बात नहीं है, इसको एनर्जी कोई प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट आगे पैसिव होगा, क्योंकि जाइलम से ये वाटर को ले लेता है। प्रोवाइडिंग द वाटर इन द फ्लोएम, नहीं भैया वो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्लोएम के लिए कंपेनियन सेल का कोई काम नहीं है, फ्लोएम वाटर के लिए किससे बात करेगा, जाइलम से। तो अगर वाटर की बात कर रही हैं तो बात किससे होगी, जाइलम से। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा परफेक्ट और राइट आंसर है। याद करना है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लेके हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, हम लोगों ने एक थोड़ी पढ़ी थी जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, एक पढ़ा था फ्लोएम लोडिंग, फ्लोएम अनलोडिंग, एक पढ़ा है मास फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, सोर्स एंड सिंक थ्योरी, सब पढ़ा है ना, बिल्कुल। और एक और नाम वो कैसे बोल सकते हैं, ईमन्स थ्योरी। तो हमने फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, तो उसके अंदर यही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बेसिकली किस सेल से डेवलप होता है। देखो ये बात आप लोग जानते हो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता क्या है, हमने पहले भी बात कर ली थी, यहाँ पे अगर जाइलम है, यहाँ पे भी जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे फ्लोएम है, तो ये कैम्बियम है, बस सही है। इनके बीच में जो ये सेल है दैट इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और दोस्तों जो रेडियल ट्रांस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो रेडियल ट्रांस टाइप का ट्रांसपोर्ट भी यहीं के थ्रू होता है, एंड दिस रेज इज कॉल्ड एज अ मेडुलरी रे, आपको पता है, जो रेडियल ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो डेवलप होती है कौन सी सेल से डेवलप होती है, तो दैट सेल इज कॉल्ड एज अ मेडुलरी सेल्स या मेडुलरी रेज। ठीक है, एग्जैक्टली यही सेल वो होती है पेरेन्काइमा, अगर यहाँ पे कहीं ऑप्शन में पेरेन्काइमा लिख रखा होता, वहाँ पे ज़ाइलम पेरेन्काइमा लिखा रखा है, तो ही हम इसकी तरफ नहीं जा रहे। अगर केवल पेरेन्काइमा लिखा होता तो फिर भी हम एक कड़ी सोच सकते थे इसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका परफेक्ट आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं एज ऑफ ट्री के बारे में। देखो अगर आपको कभी भी प्लांट की एज ऑफ एज को डिटरमाइन या आइडेंटिफाइड करना है, तो आप डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर जाओगे। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो एज ऑफ ट्री है वो कैसे पता करते हैं। दोस्तों बायोमास से तो वॉल्यूम की बात होती है, और वॉल्यूम की बात तो यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो हम वॉल्यूम के ऊपर तो जाएंगे नहीं। अगली चीज़ है द नंबर ऑफ द एनुअल रिंग। दोस्तों ये एक ऐसा चीज़ है जो अपन को नीचे सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाने से रोकता है। ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ द एनुअल रिंग, दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जो एनुअल रिंग होती है ना, ये एक सर्किल की फॉर्म में विजिबल होती है। और एक्चुअली जो आपने पढ़ा हुआ है कैम्बियम, ये जो कैम्बियम है ना, ये एक्चुअली जाइलम को डेवलप करता है। किसको, जाइलम को। तो जब कैम्बियम जाइलम को डेवलप करेगा, तो जाइलम को डेवलप करने के लिए ये जो जाइलम डेवलप होगा
इसी जाइलम को डेवलप करने करने वाले प्रोसेस को हम लोग कैम्बियम लिंक के फॉर्म में कर देते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाइड करते हैं, काउंट करते हैं और पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली ये कितने साल पुराना जो है प्लांट है। ठीक है, अब एक्चुअली अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे कई बार हो सकता है कि जो वैसल होती है, कई बार जो जाइलम की ट्रैकिडोर वैसल की बात करते हैं, तो कई बार जो वैसल होती है, ये वैसल क्या होती है, लार्ज होती है, और लार्ज होने के साथ साथ ये थिक भी होती है। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है स्प्रिंग सीजन में। मगर दोस्तों वहीं अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो कई बार ये थिक वॉल्ड होती है और स्मॉल होती है। ठीक है, और ये सीजन आपको देखने को मिलता है समर सीजन। तो समर के अंदर ये अलग तरीके से देखने को मिलती है, और नॉर्मल अगर स्प्रिंग सीजन की बात करूंगा तो अलग तरीके से देखने को मिलती है। और ये सब चीज़ें होती क्यों हैं, क्योंकि ये एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये जो एनुअल रिंग होती है ना, अगर आप इस एनुअल रिंग को काउंट कर लेते हो तो दोस्तों आपको पता लग जाता है कि जो प्लांट होता है उसकी पर्टिकुलर एज जो है वो एज कितनी है। ब्रांच याद रखिएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, वैसे आजकल बहुत सारी चीज़ों की एज तो कार्बन डेटिंग प्रोसीजर से भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं, मगर इसके लिए बेस्ट तरीका कैम्बियम रिंग को आइडेंटिफाइड करके उनको काउंट करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि जो फ्लोएम होता है जिम्नोस्पर्म में, उनके अंदर क्या चीज़ एब्सेंट होती है। पहला है एल्ब्यूमिन सेल और सीव सेल। दोस्तों सीव सेल बिल्कुल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सही बात है। दूसरी बात, सीव ट्यूब ओनली। तीसरी बात है कंपेनियन सेल ओनली, ना भैया ना। और चौथी बात है बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। दोस्तों अगर देखा जाए तो आप लोग यहाँ पे ये बात कर सकते हो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पे कंपेनियन सेल तो होती नहीं और वहाँ पे सीव सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि एल्बुमिनस सेल मिल सकती है सीव सेल के साथ साथ, मतलब वहाँ पे जो सीव ट्यूब होती है ना वो भी अगर देखा जाए तो एब्सेंट होती है। तो इसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे लिए परफेक्ट आंसर है। दोस्तों एंजियोस्पर्म की अगर आप बात करो तो डायकॉट के अंदर आपको लगभग लगभग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डेवलप होती दिख जाएगी। आपको वहाँ पे सीव ट्यूब भी मिलेगी, कंपेनियन सेल भी मिलेगी, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर पूरी तरह से डेवलप मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं वहाँ पे आपसे बात करूँ तो हम लोग ट्रैकिड की बात करें, वेसल की बात करें, वो भी पूरी तरह से डेवलप मिलेगी एंजियोस्पर्म में तो। मगर यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में इन चीज़ का थोड़ा सा कंट्रोल होता है, होती नहीं है वो प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे चलें। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जरा उस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है ना वो आपको मिलती है जनरली रूट के अंदर। ठीक है, तो जो रूट है ना उसके अंदर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलेगी, और रूट के अंदर भी कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी एंडोडर्मिस में। जब आप एंडोडर्मिस बनाते हो तो जो एंडोडर्मिस होता है उसकी जो एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं, ये इन सेल्स के अंदर एक ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है जो लेयर वाटर की परमिएबिलिटी को रोकती है, मतलब वाटर को नहीं जाने देती। और जब ये वाटर को नहीं जाने देती ना तो दिस स्ट्रिप इज कॉल्ड एज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये मतलब आप कह सकते हो कि जो वाटर का लीकेज है ना उसको रोकने का काम करती है। क्योंकि दोस्तों रूट का जो बेसिक काम होता है ना वो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का। मगर अगर कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो वाटर को प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकेगा, इसलिए जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में रोकने का काम करती है। दोस्तों मगर यहाँ पे कुछ सेल ऐसी होती हैं जिन्हें जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होती है और जहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दैट सेल इज कॉल्ड एज अ पासेज सेल। अगर देखा जाए तो दोस्तों इस टाइप का आप एक डायग्राम बना सकते हैं। देखो मैं एक डायग्राम आपको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस टाइप का, ऐसा आप एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है एपिडर्मिस, ये होता है कॉर्टेक्स, ये होता है एंडोडर्मिस, ये होता है पेरिसाइकल। तो यहाँ पे एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। तो आपको मेरे ख्याल से दो पाथवे याद होंगे, जैसे एक पाथवे को तो ये रोकती है जिसे हम बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। एपो का मतलब बाहर से, अवे, तो जो बाहर से पाथवे होता है उसको रोकने का काम करती है। तो एंडोडर्मिस ही एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे सिम्प्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, आसान है ना? पता है मतलब दो या तीन चैप्टर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है। अगर आप इस चैप्टर की बात करो, फिर आप कुछ टॉपिक देखो अगर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, और अगर आप कुछ टॉपिक देखो वहाँ पे अगर अपन बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपको इस चैप्टर में भी हेल्प करेगी, और ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट ना आपको उस चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए
तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कैस्पियन स्ट्रिप होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द राइट आंसर, इट इज़ द एंडोडर्मिस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो वेस्कुलर बंडल होता है मोनोकॉट के अंदर, उसे हम क्लोज बोलते हैं। देखो मैंने आपसे बोला था कि ये वाली चीज़ें आपको कई बार और कई सारे क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से देखने में आएंगी, और यहाँ पे इन सब क्वेश्चंस का मतलब भी वही है। एक्चुअली देखो क्लोज वेस्कुलर सिस्टम अगर मैंने बोल दिया तो मतलब भी मान लो कि जो कैम्बियम होगा ना, ये इसमें आप एब्सेंट कर दोगे, सीधी सी बात तो ये है। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो नहीं, कोई भी सेल्स डेवलप ही नहीं होंगी, केवल जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा, दैट सेट। कोई यहाँ पे कैम्बियम की सेल प्रेजेंट ही नहीं होगी। तो अगर कैम्बियम की सेल प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम कैम्बियम एब्सेंट बोलते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल या क्लोज वैस्कुलर सिस्टम, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उस 20 में आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसमें लिख रखा है कि जो कैम्बियम है वो एब्सेंट है, यानी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी इसके अंदर कैसी होगी, एब्सेंट होगी। गॉट इट, चलिए आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। सेम है, आपको पता है कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये एक बेसिकली गार्ड सेल है, और गार्ड सेल के चारों तरफ जो सेल डेवलप होगी ये वाली, दिस सेल इज कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल। तो जो सब्सिडरी सेल होती है वो गार्ड सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, और इनका हेल्प होता है, प्रोटेक्शन भी करती है और ओपन और क्लोज करने में भी हेल्प करती है। ओपन एंड क्लोज, तो ओपन और क्लोज करने में भी हेल्प करती है और प्रोटेक्शन भी करती है। तो स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल कौन सी होती है वहाँ पे, दैट इज़ अ सब्सिडरी सेल। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बैलून शेप जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर कौन सी होती है। चार आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग। पहला, ये जाइलम पेरेन्काइमा का एग्जिस्टेंस होता है जो कि वेसल में होता है। दूसरा जो है वो है, ये लिंक होता है एसेंट ऑफ सैप, मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। तीसरा, ओरिजिनेट फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ वेसल, बिल्कुल नहीं है, ल्यूमेन से डेवलप नहीं होता। चौथा, कैरेक्टराइज होता सैप फूड, नहीं भाई ये हार्ट फूड का टाइप है। देखो क्या होता है, अगर आप कभी भी जाइलम की बात करोगे तो जाइलम की कुछ स्ट्रक्चर आपने ऐसी पढ़ी होगी, यहाँ पे पेरेन्काइमा, जिसे हम जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं, तो ये इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ये ऐसे, ठीक है। दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वहाँ पे, तो दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज टाइलोसिस, और ये जो है ना, ये जाइलम पेरेन्काइमा है, इस एरिया को आप बोलते हो पेट, और ये चीज़ें जो है वेसल। तो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जो टाइलोसिस होते हैं ना, ये टाइलोसिस के अंदर बहुत सारी रेजिन वगैरह ये सारे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अभी जो जाइलम होता है ना, ये पेरेन्काइमा क्या होता है, फूलता रहता है, और स्वेल होगा और स्वेल होगा, तो एरिया को फाड़ देता है, ब्रस्ट कर देता है। अब ब्रस्ट करने के बाद अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा जगह है ही, जहाँ पे बेसिकली वेसल के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। मगर दोस्तों जैसे ही टाइलोसिस डेवलप हो जाएंगे, वैसे ही इस एरिया के अंदर अब वाटर ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं। अब आखिर प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर, क्योंकि एरिया तो बंद हो गया है। तो दोस्तों ये हार्ट फूड का बेसिकली आप एक टाइप बोल सकते हो, कि जहाँ पे जो प्लांट है उसके अंदर जो वेसल है उसके अंदर जो वाटर का अमाउंट है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, तो बिल्कुल कम हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर है, कि एक्सटेंशन है जाइलम पेरेन्काइमा का इनटू द वेसल। देखो वेसल के अंदर जाइलम पेरेन्काइमा का एक्सटेंशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइलोसिस। देन ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो आखिर क्या डेवलप करता है। देखो अगर आप कभी भी ऐसे कभी भी किसी भी सेल की बात करोगे, और एक जाइलम होगा और एक फ्लोएम होगा, तो दोस्तों यहाँ पे बीच में होता है कैम्बियम, ऐसा ही है। अभी जो कैम्बियम होगा ना, ये दोनों साइड सेल को डेवलप करेगा, मतलब अगर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, ठीक है, तो ये जो कैम्बियम है, ये कैम्बियम दोनों साइड सेल को डेवलप करेगा। ये यहाँ की तरफ तो डेवलप करता है एक सेल, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, और यहाँ की तरफ डेवलप करता है जाइलम की तरफ एक सेल, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, कि जो कैम्बियम है ना, इसे हम बोलेंगे वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो वैस्कुलर कैम्बियम जो होगा वो जाइलम की तरफ तो जाइलम डेवलप करेगा, और फ्लोएम की तरफ फ्लोएम डेवलप करेगा। अब इसको तो आप जाइलम और फ्लोएम बोल सकते हो, मगर ये जो जाइलम है इसे आप बोलोगे प्राइमरी जाइलम, और ये जो फ्लोएम है इसको आप बोलोगे प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि ये बाद में डेवलप हुआ, तो इसको आपने सेकेंडरी फ्लोएम और रिस्पेक्टिवली सेकेंडरी जाइलम बोल दिया।
तो वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली किससे डेवलप होता है, दैट इज़ अ नॉर्मली क्या डेवलप होता है, दैट इज़ अ सेकेंडरी जाइलम। देखो यहाँ पे डेवलप कर रहा है, अगर यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम होता तो भी आपका सही आंसर था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिश्यू क्या होता है। देखो टिश्यू के बारे में समझने से पहले हमको ये देखना होगा कि आखिर किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों देखो, सबसे छोटी यूनिट जो होती है ना किसी भी चीज़ की, वो होती है सेल, ठीक है। और सेल जो होती है ना, ये मिलके एक चीज़ बनाती है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो कोई भी सेल होगी ना, वो एक चीज़ बनाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। मगर ये टिश्यू बनाने के लिए इसके कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप इसको टिश्यू बोलोगे कि ये चीज़ टिश्यू है। तो वो कैरेक्टर्स क्या चीज़ हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि ग्रुप ऑफ सेल डिसिमिलर इन द ओरिजन। दोस्तों ओरिजन में बिल्कुल भी डिसिमिलर नहीं होते, गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल सिमिलर इन ओरिजन एंड फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ द ऑर्गन आ गया, बिल्कुल गलत है। ग्रुप ऑफ द सेल सिमिलर इन फंक्शन बट डिसिमिलर इन ओरिजन, नहीं, ओरिजन में भी सिमिलर होंगे और जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं उनके जो फंक्शन होंगे वो भी सिमिलर ही होंगे, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। जिसकी वजह से आपने प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के बताए थे, याद हो तो, जिसमें एक होता है मेरिस्टमेटिक और एक होता है परमानेंट, याद है? बिल्कुल सही। मेरिस्टमेटिक कितने टाइप के थे याद है? बिल्कुल एपिकल, इंट्राकैली और लेटरल। परमानेंट कितने टाइप के थे? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट कितने टाइप के थे? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट कौन से टाइप के थे? जाइलम और फ्लोएम। तो सिमिलर होते हैं ओरिजिन के अंदर, सिमिलर होते हैं फंक्शन में, और सेल का एक ग्रुप होता है। साथ रहेंगी तो बढ़िया रहेंगी ना चीज़ें, तो एक ग्रुप होता है सेल का, साथ साथ रहेंगे, मस्त रहेंगे, टेंशन रहेगी नहीं कोई भी। बस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही बिल्कुल परफेक्ट और राइट आंसर है, इसको सही कर दिया जाए। दोस्तों अगली चीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ द विच स्टेटमेंट यू कैन से दैट प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू द टू मेन ग्रुप, मेरिस्टमेटिक और परमानेंट। देखो दोस्तों, प्लांट, अगर मैं टिश्यू की बात करता हूँ ना, अगर कभी भी हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक वो होंगे जो हमेशा डिवीज़न करेंगे, परमानेंट वो होंगे जिसके अंदर डिवीज़न नहीं होगा, मगर एक एक्सेप्शन हो सकता है इसके अंदर, वो है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा डिवीज़न कर सकता है एक्सेप्शनली। होता क्या है ये दोस्तों, मान लो ये कोई एरिया है जिस एरिया को मैंने बोल दिया मेरिस्टमेटिक एरिया, यानी कि इस सेल में जितनी भी सेल होगी वो सारी सेल क्या करेगी, डिवीज़न। तो अगर सेल इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है तो सेल डिवीज़न कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे ही सेल इस एरिया से बाहर आ गई दोस्तों, उसके अंदर डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, डिवीज़न होगा ही नहीं उसके अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि डिवीज़न ही नहीं होगा उसके अंदर। और जब ऐसी चीज़ों में, जब सेल के अंदर ऐसा डिवीज़न नहीं होता, तो आप इसको एग्जैक्टली कौन सी सेल बोलते हो? ये परमानेंट सेल है। तो जो डिवीज़न नहीं करती वो परमानेंट है, जो डिवीज़न करती है वो मेरिस्टमेटिक है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, द प्लांट इज अ डायकॉट और मोनोकॉट। ना भाई कोई बात नहीं है, वेदर द सेल बींग फॉर्म्ड आर द कैपेबल टू डिवाइडिंग और नॉट। बिल्कुल सही बात है, या तो सेल डिवीज़न करेगी या फिर नहीं करेगी। डिवीज़न करेगी तो मेरिस्टमेटिक, नहीं करेगी तो परमानेंट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, दैट इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। कि जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, आखिर इसका कौन सा फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है, इट्स गिव राइज टू द लेटरल ब्रांचेस, ये लेटरल ब्रांचेस को डेवलप करेगा। दूसरी है, इट इंक्रीज द ओनली द ग्रेथ ऑफ द प्लांट, इट इंक्रीज द ग्रेथ ऑफ द प्लांट एंड द लेंथ ऑफ द प्लांट। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है, इट इंक्रीज द ओनली द लेंथ ऑफ द प्लांट। देखो अब सुनो दोस्तों, अगर हम बात करें तो देखो, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होंगे, ठीक है, जिसमें एक होगा एपिकल, एक होगा इंट्राकैलरी और एक होगा लेटरल। ये दोनों जो ग्रोथ करते हैं ना, ये है प्राइमरी ग्रोथ। अगर प्लांट की हाइट के लिए कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ना, तो वो यही है। ये कभी भी प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये प्लांट की विड्थ को या गिर्थ को इंक्रीज करता है, गिर्थ को इंक्रीज करता है। तो इसका जो काम है ना, वो है प्लांट की गिर्थ को इंक्रीज करने का। तो ये गिर्थ को इंक्रीज करेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसलिए मैं बोलेंगे इंक्रीज इन द गिर्थ एज वेल एज द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो गिर्थ को भी इंक्रीज करता है और साथ साथ प्लांट की जो लेंथ होता है उसको इंक्रीज करता है, ये तो बिल्कुल गलत है।
इट इंक्रीज ओनली द लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ तो बढ़ाएगा ही नहीं। इट इंक्रीज द लेटरल ब्रांचेस, बिल्कुल ये तो इंटरकल मेरिस्टेम का टाइप होता है। तो इट इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द प्लांट, बिल्कुल सही बात है। ये केवल और केवल जो प्लांट होता है उसकी जो गिर्थ होती है ना, मतलब जो उसकी मोटाई होती है, केवल इसी के अंदर काम करता है, दैट्स इट। तो देट इज अ लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ परफेक्ट एंड राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे ये कहता है कि जो पेरेन्काइमेटस सेल होती है वो कौन सी होती है। पहला है डेड एंड थिक वॉल्ड, थिन वॉल्ड। सेकंड ऑप्शन है थिक वॉल्ड एंड लिविंग। थर्ड है थिन वॉल्ड एंड लिविंग। और फोर्थ है थिक वॉल्ड एंड डेड। दोस्तों देखिए जरा, अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो पेरेन्काइमा की बात होती है। दोस्तों पेरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि डिवीजन नहीं करते, ठीक है। मगर जो पेरेन्काइमा है ना दोस्तों, ये एक एक्सेप्शन केस होता है, एक्सेप्शन केस है पेरेन्काइमा, जो डिवीजन कर सकता है, सही बात है, एक्सेप्शनली। अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं 27 में अगर देखें तो आप, जिसमें सबसे पहले दे रखा है कि ये डेड होता है और थिन वॉल्ड होता है, ये थिक वॉल्ड होता है या फिर लिविंग होता है, ये थिन वॉल्ड होता है या फिर लिविंग होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पेरेन्काइमा होता है ना वो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा होता है। देखो पेरेन्काइमा ऐसा, ये होता है कुछ पेरेन्काइमा ऐसा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और दोस्तों ये होता है थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड नहीं होती इसमें, ये होता है थिन वॉल्ड। और सारी की सारी सेल जो इसकी होती है ना, ये सारी की सारी सेल कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती है, लिविंग सेल्स। तो सारी सेल लिविंग सेल है और बेसिकली ये होगा थिन वॉल्ड। दोस्तों पेरेन्काइमा ना, एक बात याद रखिएगा, पी फॉर पेरेन्काइमा और पी फॉर पैकेजिंग। तो पेरेन्काइमा चीज़ों को पैक करने का काम करेगा, जैसे ये कई सारे टाइप का हो सकता है, जैसे हो सकता है म्यूसिलेज पेरेन्काइमा, ये एयर को भी रखता है तो एरेन्काइमा, ये क्लोरोफिल फिल को रखता है तो ये क्लोरेन्काइमा। तो कई सारे टाइप के हो सकते हैं। एग्जैक्टली एक चीज़ और हो सकती है, दैट इज़ अ ईडियोब्लास्ट। कई बार ये वेस्ट मेटल को भी अपने अंदर रखता है तो उसे हम ईडियोब्लास्ट सेल बोलते हैं, जब ये वेस्ट मेटल को अपने अंदर रखता है उस कंडीशन को। तो देखा जाए तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं पेरेन्काइमा के। और पेरेन्काइमा एक ऐसा सेल है जो ये, मतलब आप यूनिवर्सल भी बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि जो ग्राउंड टिश्यू है इसका बेसिक काम भी यही इसका ही है। पैकेजिंग अगर प्लांट के अंदर किसी भी चीज़ की होगी तो वहाँ पे पेरेन्काइमा ज़रूर प्रेजेंट होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, मगर जो सेलवल होती है वो थिन होती है, थिक नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ परफेक्ट एंड राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो कोलेनकाइमा है ये डिफर होता है पेरेन्काइमा से आखिर कैसे। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये दोनों किसके टाइप हैं, ये दोनों हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप होते हैं, जिसमें एक होता है जिसे हम बोलते हैं पेरेन्काइमा, एक होता है जिसे हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। दोस्तों पेरेन्काइमा जो होता है ये होता है पैकिंग करने का काम करता है, कोलेनकाइमा जो होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है, और स्क्लेरेन्काइमा ये चीजों को टफ करता है, रिजिड करता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेरेन्काइमा क्या है पता है आपको, कोलेनकाइमा क्या है पता है, मगर जो क्वेश्चन है पूछा गया है वो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कोलेनकाइमा होता है वो पेरेन्काइमा से कैसे डिफर होता है। दोस्तों डिफरेंस पहला तो दिख रहा है पैकेजिंग और फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। अब एक्चुअली ये है क्यों, अगर देखा जाए तो दोस्तों बींग मेरिस्टमेटिक, क्या दोनों मेरिस्टमेटिक होते हैं, नहीं भैया नहीं। पेरेन्काइमा एक्सेप्शनली डिवीजन कर सकती है मगर वो एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन की चीज को तो हम इसमें रखेंगे नहीं। तो 28 में ए ऑप्शन तो कैसे भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, डी प्रोसेसिंग द थिक सेल वॉल। दोस्तों कोलेनकाइमा के अंदर नो डाउट देखो सेल वॉल तो थिक होती है, इसमें सेल्लोज हेमी सेल्लोज और पेक्टिन जो होता है ना ये प्रेजेंट होता है, तो जो इसकी जो सेल वॉल होती है इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना ये नो डाउट थिक होते हैं, कॉर्नर थिक होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसके जो कॉर्नर होते हैं वो थिक होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया, ये तो बिल्कुल गलत बात है।
और यूजुअली कंटेनिंग द क्लोरोप्लास्ट, नहीं ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों कॉलेनकाइमा पैरेनकाइमा, क्योंकि पैरेनकाइमा के पास भी क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो कॉलेनकाइमा जो होता है वो आखिर किस तरीके से डिफरेंट है पैरेनकाइमा से, अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है दैट इज अ थिक सेल वॉल। गॉट इट? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ना, दैट इज अ राइट एंड परफेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव इलोंगेटेड थिक वॉल्ड एंड द टेपरिंग एंड्स, ठीक है, जिसके अंदर थिक वॉल्ड प्रेजेंट होगी और जिसको जो एंड होंगे ना वो टेपर का मतलब होंगे पॉइंटेड, मतलब जो एंड होंगे ना वो पॉइंटेड एंड होंगे, पॉइंटेड एंड होंगे। देखो कैसा होता है दोस्तों, अगर एक नॉर्मल कंडीशन में आप कभी भी बात करो तो आप ये बात बोल सकते हो कि जनरल कंडीशन में हम लोगों को जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, उससे ही हमको इस तरीके के पॉइंटेड एंड मिलते हैं। हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर एक जाइलम फाइबर होता है, एक फ्लोएम फाइबर होता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो हमें पता है। और हमें साथ साथ ये भी पता है कि जो स्क्लेरिट्स और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है ये दोनों स्क्लेरेनकाइमा के टाइप होते हैं, ठीक है। अब जो स्क्लेरिट्स होती है ना दोस्तों, वो तो देखो कुछ इस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप की ऐसे, ये बीच में ल्यूमेन होता है, पढ़ा होगा आपने, ये थिक वॉल्ड होती है, पढ़ा है आपने, और यहाँ पे पिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मगर अगर आप इसकी बात करते हो तो दोस्तों ये ना कुछ ऐसा मोटा मोटा सा दिखता है आपको ऐसा, ठीक है, तो ये तो थिक वॉल्ड होती है, मगर दोस्तों बीच में ये जो होता है ना ये होता है ल्यूमेन। अब ये तो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, अगर आप करेक्टर्स की बात करते हो तो ये तो एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि अगर हम कभी भी बात करते हैं कि जो थिक वॉल्ड होता है और जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, दैट इज़ अ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, दैट इज़ अ ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपने कभी देखा है कि मतलब बेसिक काम ना इनका होगा प्रोटेक्शन करने का, प्रोटेक्शन करने का, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का, वो क्योंकि यहाँ पे ना लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। एक्चुअली जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ना, ये स्क्लेरेनकाइमा जनरली डेड होता है। कैसा होता है? डेड होता है। और डेड क्यों होता है? प्रोटोप्लाज्म तो उसका डेड हो जाता है, जब स्टार्टिंग में ये डेवलप होता है ना स्क्लेरेनकाइमा, तब तो ये लिविंग सेल होती है, मगर जैसे 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 ये थोड़ा सा पुराना होता जाता है तो इसके अंदर जो भी इसका मटेरियल वगैरह है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो जो अंदर का मटेरियल है जब वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर, मतलब सर्वाइवल मतलब डेड हो जाएंगे, लिविंग सेल तो रहेंगे नहीं, लिविंग टिश्यू तो रहेंगे नहीं, तो ये डेड हो जाते हैं उस कंडीशन में। तो स्क्लेरेनकाइमेटस जो फाइबर होता है ना, दैट इज़ अ परफेक्ट एंड राइट आंसर। तो बेसिकली थिक होते हैं ये और लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, एक तरह से पॉइंटेड एंड होते हैं, बॉर्डर की तरफ आप वहाँ पे देख सकते हो, यंग जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा मगर बाकी वाला डिफरेंट हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट और राइट आंसर है। आपने अभी तक जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाए आपने देखे होंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना उन क्वेश्चन के अंदर केवल डायग्राम के बेस पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और पता है बिलीव मी यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन भी डायग्राम पे बेस पे ही आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर यहाँ पे मिलेंगे ना तो आप ये कह सकते हैं कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेस पे मिलेंगे। पूरे शेड्यूल में कोशिश पूरी की जाती है कि क्वेश्चन को लगभग सबको रखो। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में जैसे हमने थोड़ी बहुत बात की तो लगभग हर किसी चीज़ को हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रखा। तो याद रखना यहाँ पे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके सारे के सारे पॉइंट। एग्जाम में डायग्राम ज़रूर याद रखना, बिकॉज अगर आपके माइंड में डायग्राम क्लियर होगा ना तो फिर आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे और फिर समझ भी पाओगे, तो दिक्कत नहीं होगी आपको कैसे भी। चलिए भाई आगे चलते हैं फिर बहुत ही फटाफट तरीके से, और देखते हैं आगे कि आगे अब इसके अंदर और क्या है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों अगला जो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने वो है स्क्लेरिट्स आर द कॉमन पेटियोल ऑफ लीव्स। देखो स्क्लेरिट्स के बारे में तो हम जानते हैं कि स्क्लेरिट्स बेसिकली क्या होती है, ये प्लांट को टफ प्रोवाइड करवाती है, मतलब टफनेस या रिजिडिटी आप बोल सकते हो। अगर देखा जाए तो दोस्तों इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ मिल सकती है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मिल सकता है जो सीड कोट होता है ना, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, जितने भी लेग्यूम प्लांट होते हैं उनके सीड कोट के अंदर, साथ साथ दोस्तों जो लीव्स होती हैं किस चीज़ की, टी इनकी जो चाय की जो लीव्स होती है ना उसके अंदर, साथ साथ आप ये बात कह सकते हैं कि जो फ्रूट वॉल होती है ना ऑफ नट्स, नट्स अगर हम पल्प की बात करें ऑफ फ्रूट, जैसे आप गुआवा की बात करो, ठीक
ठीक है, पीयर की बात करूँ, ठीक है, पीयर्स की बात करूँ, तो आप इनमें से किसी की भी बात करोगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। दोस्तों ओवरऑल अगर हम स्क्लेरेन्काइमा के लिए बात करें, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो स्क्लेरेन्काइमा के ही पार्ट होते हैं, जिसे हम स्क्लेरिट्स और स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर कहते हैं। इनका किसी भी जगह पे होना इस चीज़ को रिस्पॉन्स करता है कि वो चीज़ कितने अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है या अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट कर पाती है। और यहाँ पे दोस्तों नो डाउट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि जो स्क्लेरिट्स होते हैं ये कॉमन एक पेटियोल होती है लीव्स के अंदर, जो बेसिकली किस तरीके से और कहाँ प्रेजेंट होती है, तो दोस्तों इसके लिए हम बहुत ही बेसिकली और परफेक्ट आंसर कर सकते हैं, जैसे दैट इज़ अ सीड कोट ऑफ द लेग्यूम एंड ऑप्शन बी इज़ द परफेक्ट एंड राइट आंसर। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे। दोस्तों दिस इज़ द एवरीथिंग, ये लगभग वो सब कुछ है जो हमें पढ़ना था, ये लगभग वो सब कुछ है जो हमें डिस्कस करना था। सात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे डायग्राम को बहुत अच्छे से फोकस करना है, कि डायग्राम के बेस पे अगर कितनी भी चीज़ें या कोई भी चीज़ अगर हमको दी हुई हो तो हम वो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकें। सो थैंक यू सो मच, होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।